दोस्तों देखिए किस तरीके से मंदिर का जो है ये कलशा है, और ये जहाँ पे निशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है उस मंदिर के ऊपर लगेगा ये, ठीक है ना। और देखिए लोगों में उत्साह उमंग, दोस्तों देखिए ये सोने की छत्र, ये देखिए लोग एकदम मगन। दोस्तों सभी बहुत ही खुश हैं, मतलब हर एक आदमी खुश है, बिल्कुल बहुत ही मनमोहक लग रहा है ये दृश्य। और मैं थोड़ा बाहर से भी दिखा देता हूँ किस तरीके से लग रहा है यहाँ, ठीक है ना। ये चारों तरफ गाजे बाजे बज रहे हैं, और 22 जनवरी को जो है भगवान श्री राम हमारे राम लला आ रहे हैं, और उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। और भारत में रहने वाला और सनातन को मानने वाला हर एक आदमी बहुत ही खुश है अंदर से, तो ठीक है ना। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए, मैं इसी तरीके से वीडियो दिखाता। दोस्तों ये पीछे देख सकते हैं राम मंदिर जो है थोड़ी दूरी पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जो है हनुमान जी जो है सुरक्षा में लगे हुए हैं और बानर के रूप में, ये देखिए पीछे, ठीक है ना। देखिए लोग, भाई लोग देखिए किस तरीके से जो है ये पूरी ट्रैफिक देखी जा रही है। प्रशासन का बहुत ही बढ़िया जो है वो दिख रहा है कि योगदान दिख रहा है कि सुबह से 6 बजे से जो है पूरे ट्रैफिक में लगे हुए हैं। सर जी भैया जी, कहाँ से हैं भैया? अयोध्या से। तो हमारे भैया जी हैं, भैया जी बताएंगे ये क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं रहा है जी, अयोध्या में प्रेम देखने को मिल रहा है और प्रभु श्री राम की भक्ति देखने को मिल रही है। और ख़ास करके आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मिथिला से आया हुआ लड्डू जो है प्रभु श्री राम के ससुराल से, जी माता जानकी के यहाँ से आया है, प्रभु श्री राम के ससुराल से आया है। जी। तो ये जो लड्डू आप देख रहे हो बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है खाने के लिए, और हमको मिल रहा है। और भाई साहब ये जो लड्डू है भाई वो कहीं नहीं मिलने वाला है, जो इसका स्वाद आने वाला है जो मिल रहा है हमको वो पूरी दुनिया में, हमने कई जगह घूमा है, कई जगह लड्डू भी खाया है, लेकिन जो ये लड्डू का स्वाद है हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको बयां कर सकें। और ये देखिए ये खाने में क्या था, वैसे घर के जैसा खाना था कि नहीं? खाना नहीं था, इसको हम खाना नहीं बोलेंगे, इसको हम प्रसाद बोलेंगे। अच्छा प्रसाद, ये प्रसाद था जी, प्रभु श्री राम का प्रसाद है। यहाँ पे जो है अनवरत चल रहा है, एक भी शुल्क नहीं देना है, आप लोग आए और भोजन करें, नाश्ता भी रहेगा, चाय भी रहेगा। ये लेकिन तैयार हो रही है तैयार, लेकिन इतना ही कहेंगे कि प्रसाद हर जगह मिलता है, भोजन हर जगह मिलता है जी, लेकिन आज जो है अयोध्या में कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। और वो अलग ये है कि प्रभु श्री राम की ससुराल से माता जानकी के यहाँ से जो है वो लड्डू अयोध्या वालों को खाने को मिल रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि प्रभु श्री राम के ससुराल का लड्डू जो है वो हमें, साथ ही साथ हमारे विपिन जी भी हैं। देखिए आपको कैसा लग रहा है सर? मैं तो भोजन किया भैया, एकदम बहुत मज़ा आया भोजन करके, इतना स्वादिष्ट खाना जो है घर पे नहीं होता है, हकीकत बताऊं। अब इसमें पता नहीं अयोध्या का है, भंडारा का है, या फिर जनकपुर से जो है लड्डू आया है, बात करता है जनकपुर से जो लड्डू आया है उसकी जो है मतलब क्या है कि खाना आज बहुत स्वादिष्ट मुझे लगा, मतलब स्वाद है खाने में, स्वाद क्या कि मतलब अलौकिक अद्भुत, अयोध्या नगरी का प्यार उमड़ के भोजन में आ गया है। वैसे भी अयोध्या है, अभी प्रभु राम आ रहे हैं 22 तारीख को भैया जी, अपने महल में आ रहे हैं। तो ये जो तैयारियां चल रही हैं ये कब तक चलेंगी? तैयारियां तो अब चलेंगी, सालों साल चलेंगी, सालों साल क्योंकि 500 साल से हम लोग प्रतीक्षा किए थे जी। आज हम लोग का सपना पूरा हो गया, जिसकी हमें जो है वो थी, वो आज वो घड़ी आ गई है जी, जो सपना था जो साकार हो रहा है। तो तैयारियां तो 500 साल का सपना है यार जी। कम से कम 1 साल लगेगा वो पूरा होने में, तैयारियां होती रहेंगी। अभी इतना बड़ा बड़ा घंटा आप देखे होंगे बीच में, अभी कितनी बड़ी उम्र हुई आपकी जी, कितने आप अपनी उम्र में इतना बड़ा घंटा देखे हैं कभी? नहीं कभी नहीं। अयोध्या में देख लिए ना, तो राम की नगरी है तब देख लिए, नहीं तो नहीं देख पाते जी। सही बात है, मतलब ये जो प्रोग्राम चल रहा है तो ये लगातार चलता रहेगा। अभी तो कुछ नहीं है, ये झांकी है जी, अभी मेन फिल्म तो बाकी है। 26 तारीख से अयोध्या के देखिए, 26 तारीख 26 जनवरी से 26 जगह भंडारा चलेगा अयोध्या नगरी में। जय श्री राम, जय श्री राम। 26 जगह भंडारा चलेगा,
जो भी राम के भक्त आएंगे उनको निःशुल्क भोजन, रहने की पूरी उत्तम व्यवस्था, निःशुल्क। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप लोग सेवा में लगे हुए हैं जी? आप लोग सेवा में लगे हुए? सीताराम सेवा में लगे जी। जी राम जी के भक्त आ रहे हैं, उनकी सेवा में हैं हम लोग। सीताराम भगवान।